अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद टीडी सिस्टर। तो आज मैं लाई हूँ एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि है रमज़ान स्पेशल, और ये थोड़े सा यूनिक है। मैं आज बनाऊँगी आपके लिए कीमे के समोसे यूनिक स्टाइल में, जो कि मैं और मेरी सिस्टर बनाते हैं इस तरह से। आपने समोसे तो बहुत तरह के बनाए होंगे, खाए भी होंगे, मगर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। कुटा भुना धनिया, हरी प्याज, हरी प्याज मैंने 2 कप के करीब ली है, काट ली इसको। इसकी आगे के भी जो प्याज होती है ना वाइट वाली, वो भी मैंने काटी है, चॉप की है। और यहाँ मैंने लिया है कीमा 1 किलो, कुटी लाल मिर्चें, हरी मिर्चें चॉप की हुई प्याज, ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी काली मिर्चें, नमक, कुटा भुना धनिया, पिसी लाल मिर्चें, यहाँ गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, मैदा, अनारदाना, हल्दी पाउडर, हरा धनिया चॉप किया हुआ, समोसों की पट्टी। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है और चूल्हा मैंने जला दिया है दरमियानी आँच पे। अब मैं इसमें डालूँगी 4 टेबल स्पून के करीब। अभी मैं थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ, अगर ज़रूरत होगी तो और डालूँगी। 4 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी मैं इसके अंदर। ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, ये मैंने 1/2 कप लिया है। ये सब मैं इसमें डाल दूँगी चॉप की हुई। अब मैं इसे चलाऊँगी, इसको पकाऊँगी अच्छी तरह से, ब्राउन नहीं करना है इसे। ये प्याज हो चुकी है अचकचरी, अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन चुका है, अब मैं इसे थोड़ा सा 2 टेबल स्पून ऑयल और डालूंगी और इसे चलाऊंगी। अब इसके अंदर मैं कीमा डालूंगी। कीमा मैंने गाय का लिया है और मशीन का बारीक कीमा है ये, 1 किलो मैंने लिया है। ये सब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। ये अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें मैं हल्दी पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च डालूंगी 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून मैं इसमें पिसी काली मिर्च डालूंगी, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर कुटा भुना जीरा डालूंगी, कुटा भुना धनिया डालूंगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून, हसबे जायका नमक, 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्च डालूंगी, और बाद में चेक कर लूँगी मिर्च कम होगी तो मैं और ऐड कर दूँगी, 1 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डालूंगी, 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें अनारदाना डालूंगी। अब इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें 2 मैंने बार चॉप की हुई हरी मिर्चें काटी हैं, इसको मैं डाल दूंगी, 2 अदद लिए मैंने हरी मिर्चें, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें हरी प्याज डालूंगी, 2 कप लिया मैंने, ये सब मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से मैं चलाऊंगी। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं दोबारा इसके अंदर 1 टीस्पून कुटा भुना जीरा डालूंगी। अब इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसमें 1/2 गिलास के करीब पानी डाल दूंगी और इसे चलाऊंगी। पानी डाल के मैंने इसे अच्छी तरह से चला लिया है, अब मैं इसे ढककर 10 मिनट तक पकाऊंगी ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और ये रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। चला के दिखाती हूँ, देखें ऑयल भी आ गया है अच्छी तरह से, और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये कीमा ठंडा हो चुका है और यहाँ पे मैंने जो मैदा लिया था, मैदा मैंने 2 टेबल स्पून लिया था, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसको थोड़ा सा थिक सा बना लिया इस तरह से, पतला नहीं किया बहुत ज़्यादा। ये रेडी है। अब मैंने यहाँ पे लिए समोसों की पट्टी, जिसे मांडी भी बोलते हैं, समोसों की शीट्स भी बोलते हैं। ये मैंने लिया यहाँ पर समोसा, इसको इस तरह से यहाँ से फोल्ड करेंगे, इस तरह से रखेंगे, और फिर यहाँ से जो कॉर्नर है ना उसको थोड़ा सा इस तरह से मोड़ूंगी मैं, ताकि ऑयल ना जाए अंदर। यहाँ से इस तरह से मैंने बंद किया है
ताकि ऑयल ना जाए। अब ये इसको इस तरह से मैंने पकड़ा है, इसमें मैं कीमा डालूंगी, ये बनाया हुआ, ये सब मैं इसमें डाल दूंगी इस तरह से। इस पे लगाऊंगी मैं ये मैदा जो मैंने घोला हुआ है, इस तरह से मैं यहाँ लगाऊंगी पूरे पे, इस तरह मैं पूरी साइड पे लगा दूंगी। और अब मैं इसे यहाँ से इस तरह से चिपकाऊंगी इस तरह, और ये बाकी जो यहाँ का बचा हुआ है उसको मैं इस तरह से बना लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये समोसा रेडी हो जाएगा, बाकी समोसे भी मैं इसी तरह से बना लूँगी। ये देखिए सारे समोसे बन चुके हैं, ये समोसे तकरीबन 61 हैं, ये सारे कीमे के समोसे बना लिए हैं मैंने। अब मैं इसको बताऊँगी कि किस तरह से मैंने स्टोर करना है। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स लिया है, अब मैं इसके ऊपर समोसे रखूँगी इस तरह से। इस तरह से मैंने ये समोसे रख दिए हैं। अब मैंने यहाँ पे शॉपर ली है ये, और इसको मैं यहाँ नीचे से कट कर दूंगी, जो जॉइंट हुआ हुआ होता है इसे मैं यहाँ से कट कर दूंगी, और यहाँ से भी एक साइड से कट कर दूंगी मैं इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं यूँ रखूँगी ताकि ये एक दूसरे से चिपके नहीं। अब ये समोसे मैं इस तरह से दोबारा रखूँगी, ये मैंने रख दिए हैं। अब दोबारा मैं प्लास्टिक इस तरह से कर दूँगी, फिर से मैं समोसे रखूँगी इसके ऊपर, इसे मैंने फिर से ढक दिया है इस तरह से। अब फिर से इसके ऊपर समोसे रखूँगी, इसी तरह से मैं करती चली जाऊँगी। ये देखिए पूरा बॉक्स फुल हो चुका है, अब मैं इसको बंद कर दूँगी। ये मैंने बंद कर दिया, अब इसे मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। इसी तरह से मैं एक और बॉक्स बना के फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 3 से 4 हफ्ते के लिए, 1 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके। अब मैं फ्राई करूँगी थोड़े से समोसे, तो चले फ्राई करते हैं। यहाँ मैंने पैन लिया है और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें समोसे डालूँगी, फ्राई करूँगी अच्छी तरह से। ये सारे समोसे मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर, ये फ्राई हो चुके हैं नीचे से। मैंने पलट दूंगी, अब इस इन सबको पलट दूंगी, और इसी तरह से मैं दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन कर लूंगी, और फिर इसे डिश आउट कर लूंगी। टाड़ा, मज़ेदार से कीमे के समोसे तैयार हैं। ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से बनाए गए हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड प्रेस द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।